जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बिरसा हरित ग्राम योजना पढ़ाया, उसके बाद फूलो झानो योजना पढ़ाया। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं दीदी बाड़ी योजना। ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, अप्रैल 2020 की ये योजना है। इस योजना के संबंध में कल यानी 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने दुमका में भी कई बातें बोली है, तो ये योजना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसी वजह से हम इस योजना को पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दीदी बाड़ी योजना। ये पीडीएफ अगर चाहिए दोस्तों आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां पे मैंने बहुत सारे पीडीएफ डाला है, बहुत सारे वीडियो डाला है, तो वो सारा एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूं और ये पीडीएफ मैं वहीं शेयर कर देता हूं, ठीक है? तो वो पीडीएफ के लिए आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना के बारे में। देखिए, बेसिकली दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य यह है कि झारखंड राज्य में जितने भी कुपोषण के शिकार महिलाएं बच्चे हैं, उन सभी से कुपोषण की समस्या को ही जड़ से खत्म करना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ में दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई। अब जब कुपोषण की समस्या को खत्म करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित करना होगा उन सभी वंचित बच्चे, वंचित महिलाओं को। तो ऐसा है कि झारखंड में जो है, डेटा के अकॉर्डिंग झारखंड में 5 साल से कम आयु के 45.3% बच्चे और 65.5% महिलाएं जो कुपोषित है, तो इन सारी महिलाओं को जो है पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित करना लक्ष्य है, व्यवस्था की जाएगी इन सारी महिलाओं को। वो कैसे की जाएगी, किसके सहयोग से की जाएगी, वो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये योजना जो है, इस योजना के तहत जो है 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, पहली बात। तो दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये योजना जो है मनरेगा और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यानी इसको हम लोग जेएसएलपीएस कहते हैं, तो ये योजना जो है मनरेगा और जेएसएलपीएस के सहयोग से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या करना है? देखिए, इसके अंतर्गत करना यह है कि जो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र है, उन महिलाओं को अपने बाड़ी में, बाड़ी मतलब समझते हैं ना, उनकी जो अपनी जमीन है, उस जमीन में, उस क्षेत्र में, उस अपने एरिया में, अपने जमीन में, 5 डिसमिल के जमीन में पोषण वाटिका का निर्माण खुद करना है। यानी अगर मुझे कुछ पोषण की चीजें चाहिए, पोषण युक्त भोजन, तो सरकार ये प्रोवाइड कर रही है सुविधा कि आप अपनी ही बाड़ी में पोषण युक्त सब्जियां उगाइए, पोषण युक्त भोजन, अच्छी अच्छी चीजें, पोषण जो आपको चाहिए वो अपनी वाटिका का निर्माण खुद कीजिए। इसके एवज में झारखंड सरकार मनरेगा के मद से भुगतान करेगी। बात वही ना है कि आखिर मैं क्यों करूं अपने पोषण वाटिका का निर्माण? तो आप निर्माण कीजिए और खाइए, सरकार आपको इसके लिए पैसा देगी, ठीक है? ये लक्ष्य है, ये मेन मुद्दा है यहाँ पे। इसके तहत ग्रामीण अपनी बाड़ी, वही चीजें लिखी गई है, घर के आसपास की जमीन में परिवार के पोषण की जरूरत के मुताबिक, जो भी जरूरत है परिवार के पोषण के लिए, 1 से 5 डिसमिल में पोषण वाटिका का निर्माण करा सकते हैं। देखिए, अब बात रही, अगर आप, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि यार मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं पात्र हूं लेकिन मेरे पास अपनी कोई जमीन नहीं है, इसकी भी सुविधा दी गई है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप भूमिहीन है, तो ग्रामीणों द्वारा, ग्रामीण लोग मिलकर 2 से 5 लोग के समूह बनाकर सार्वजनिक जमीन पर भी पोषण वाटिका का निर्माण कर सकते हैं, ग्राम सभा की अनुमति के बाद। तो ये सॉल्यूशन भी आ गया कि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये बातें थी, एक बार मैं समअप करता हूं दीदी बाड़ी योजना। दीदी बाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण की समस्या को जड़ से खत्म करना। कैसे खत्म होगा? तो इसके लिए जो महिलाएं, बच्चे पोषण के शिकार है, कुपोषित है, उनको पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित करना होगा। तो भोजन कैसे सुनिश्चित होगा? भोजन ऐसे सुनिश्चित होगा कि जो परिवार चाहे अपनी बाड़ी में, अपने 1 से 5 डिसमिल की जमीन में पोषण युक्त जरूरत के मुताबिक वहां पे उगा सकते हैं, पोषण युक्त अपने उगा सकते हैं। उगाने के बाद अपने खुद को कंज्यूम करना, उस
को वाटिका निर्माण के लिए भी पैसा सरकार ही देगी मनरेगा के तहत। तो ये बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी योजना है, बशर्ते जो महिलाएं हैं जो वो पोषण वाटिका का निर्माण करने के बाद वो खुद कंज्यूम करें, ना कि वो फिर उनको बेचने लगे। तो ये सब सारी समस्याएं हैं, बट एनीवे बहुत अच्छी योजना है दीदी बाड़ी योजना। आई होप कि ये योजना बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और झारखंड योजना से अगर, दीदी बाड़ी योजना से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी इसमें। बाकी चीजें हैं पात्रता, तो झारखंड का स्थानीय होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र दीदी जो, वो सब चीजें अलग है, बट योजना हम लोग समझ गए बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप फ्री क्विज देना चाहते हैं तो जोहार ऑनलाइन टेस्ट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर के। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी विजिट करना चाहते हैं या मोबाइल से भी विजिट कर सकते हैं johartest.com। यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। वहाँ पे आपको फ्री क्विज आप कर सकते हैं। डेली मैं झारखंड का क्विज देता हूँ 9 बजे, इंडियन पॉलिटी का, हिस्ट्री का, झारखंड करेंट अफेयर्स का भी मैं क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको जितने अवेलेबल क्विज है वो सब अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।